ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे 2024 में बसंत पंचमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इसके साथ ही जानेंगे महत्वपूर्ण उपाय। बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो इसके उपाय भी जानेंगे। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही बसंत पंचमी से ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और देवी काली भी प्रसन्न होती हैं। बसंत पंचमी 2024 की तिथि। पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से हो रही है। अगले दिन 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि 14 जनवरी को प्राप्त हो रही है, इसलिए इस साल बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी 2024 पूजा का शुभ मुहूर्त। 14 फरवरी को बसंत पंचमी वाले दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन पूजा के लिए 5:35 तक का समय है। बसंत पंचमी की पूजा विधि। बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान आदि से निर्वित होकर पीले या सफ़ेद रंग का वस्त्र पहने, उसके बाद सरस्वती पूजा का संकल्प ले। पूजा स्थान पर माँ सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। माँ सरस्वती को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। इसके बाद पीले फूल, अक्षत, सफ़ेद चंदन या पीले रंग की रोली, पीला गुलाल, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। इस दिन सरस्वती माता को गेंदे के फूल की माला पहनाएं, साथ ही पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद सरस्वती वंदना एवं मंत्र से माँ सरस्वती की पूजा करें। आप चाहे तो पूजा के समय सरस्वती कवच का पाठ भी कर सकते हैं। आखिर में हवन कुंड बनाकर हवन सामग्री तैयार कर ले और ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा मंत्र की एक माला का जाप करते हुए हवन करें। फिर अंत में खड़े होकर माँ सरस्वती की आरती करें। जिन बच्चों को पढ़ाई में नहीं लगता मन तो करे ये उपाय, उन्हें बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को केसर या पीले चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही इस दिन पीले रंग के वस्त्र अवश्य ही पहने, माँ सरस्वती की पूजा करें और पूजा स्थल पर किताब कलम अवश्य रखें। इससे आपके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहेगी, साथ ही ज्ञान, बुद्धि एवं विवेक का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि आपका बच्चा पढ़ाई से जी जुड़ाता है तो बसंत पंचमी के दिन बच्चे के हाथ से माँ सरस्वती को पीले रंग के फल और फूल अर्पित करवाएं। इसके अलावा माँ सरस्वती का एक चित्र बच्चे के स्टडी टेबल के पास लगाएं। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व है। यह रंग माँ सरस्वती को प्रिय है, इसलिए इस दिन विद्या की देवी को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और खुद भी पीले रंग का वस्त्र पहने। इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। ऐसे में इस दिन पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधों को भूल से भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए और ना ही इन्हें काटना चाहिए, इससे जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है। माँ सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी है। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए कलम दवात की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन पुस्तकों को भूलकर भी नुकसान ना पहुँचाए और ना ही किसी भी पुस्तक या कॉपी को फाड़े, इससे करियर में बुरा असर पड़ता है। माँ सरस्वती ज्ञान और वाणी की देवी है।
प्रतिदिन एक समय ऐसा होता है जब देवी सरस्वती मनुष्य की जीवा पर आसीन होती है और इस वक्त कहे गए शब्द सच हो जाते हैं। इसलिए बसंत पंचमी के दिन वाणी का संयम रखें, गलती से भी किसी को अपशब्द ना कहें। बसंत पंचमी पर गलती से भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन ना करें, नहीं तो पूजा का फल नहीं मिलेगा। इस दिन सात्विक रहकर माँ सरस्वती की पूजा करें। अब श्रवण करेंगे बसंत पंचमी की कथा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी। तभी ब्रह्मा ने मनुष्य और समस्त तत्वों जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि को बनाया था। लेकिन संपूर्ण रचना के बाद भी ब्रह्मा अपनी रचनाओं से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें अपने रचयिता संसार में कुछ कमी का आभास हो रहा था। इस कमी को पूरा करने के लिए ब्रह्मा ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। जल छिड़कने के बाद ही वहां पर एक स्त्री रूपी दिव्य शक्ति हाथ में वीणा वादक यंत्र और पुस्तक लिए प्रकट हुई। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा ने इस देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा बजाया वैसे ही मनुष्य को बोलने के लिए आवाज मिली। पानी के बहने पर कुलबुलाहट शुरू हो गई, हवा में सरसराहट उत्पन्न हो गई और पशु पक्षी अपने स्वरों में चहकने लगे। तभी ब्रह्मा ने इस देवी को सरस्वती, शारदा और भागीरथी नाम से संबोधित किया। वह देवी आज के युग में सरस्वती नाम से पूजी जाती है। सरस्वती को बुद्धिमता की देवी माना जाता है, इसलिए हम माघ के महीने में शुक्ल पंचमी को सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी दिन को हम ऋषि पंचमी के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद में भी सरस्वती के बारे में वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार माँ सरस्वती बुद्धि प्रदाता है। उनकी सुख समृद्धि और वैभव अद्भुत निराली है। ऋग्वेद के अनुसार श्री कृष्ण ने ऋषि पंचमी के दिन सरस्वती माँ पर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ की पूजा कलयुग में भी होगी। वरदान के अनुसार तभी से सरस्वती माँ की पूजा संपूर्ण भारत में वसंत पंचमी के दिन होती आ रही है। इस दिन स्त्रियाँ पीले रंग की कपड़े पहनकर सरस्वती माँ की आराधना करती हैं। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सरस्वती माता की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पर व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।